हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ इज जितेन इरवानी, जी एस सर। हेलो बच्चों, मेरा नाम मनीष शर्मा, एमएस सर। तो सर, कल ही बच्चों का नीट का एग्जाम हुआ है, और तो हमारी तरफ से पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। रिलैक्स करें आप, और आपने जरूर वीडियो सॉल्यूशन देखा होगा कल जो हमने शूट किया था सर रात में। एंड सबसे पहले तो नेशनल लेवल पर सब बच्चों को थैंक्स बोल दें, ट्रेमेंडस आपने बहुत 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 प्यारा, बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उससे बड़ा ही मॉरल बूस्ट होता है, बड़ा अच्छा लगता है, और आपको इतनी देर तक भी काम करने का जज्बा रहता है। बेसिकली मनीष सर, फैकल्टीज की लाइफलाइन तो शायद स्टूडेंट्स ही होते हैं। बिल्कुल सर, स्टूडेंट्स जितना ज्यादा अप्रिशिएट करता है हमको पढ़ाने में, उतना ज्यादा मजा आता है एक्चुअली। और कल का एप्रिसिएशन मतलब काफी ज्यादा ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स, बहुत बहुत अच्छा था। इतने सारे लाइक्स, इतने सारे व्यूज, इट वॉज रियली रियली वेरी ग्रेट, एंड थैंक्स दिल से बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू। तो अब हमारे भी सर जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चे जिनका पेपर उतना अच्छा नहीं गया होगा, होंगे ना बहुत सारे बच्चे होंगे किसी भी रीजन वश, तो अब उनको क्या करना है। मान लेते हैं मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जो अगेन ड्रॉप करने का सोच रहा हूँ, या मैं ट्वेल्थ में हूँ, मैं नीट 2022 को टारगेट कर रहा हूँ, तो आप सभी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, गब्बर इज बैक। गब्बर इज बैक, आई होप सभी ने मूवी देखी होगी, सुपर हिट मूवी थी, और हमारा जो गब्बर है वो है बेसिकली टाइम सेवर कोर्स जो वापस आपके लिए आ रहा है। इट इज द बेस्ट कोर्स फॉर ड्रॉपर्स एज वेल एज जो ट्वेल्थ अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं जो नीट 2022 को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए भी अपने आप में एक यूनिक एंड बेस्ट कोर्स है। बिल्कुल। क्या फीचर्स है मनीष सर इस कोर्स? सर प्रूवन कोर्स है सर, लास्ट ईयर इसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज के रिकॉर्ड्स होते हैं सारे इसने तोड़े थे, दोनों ही जेई में भी और नीट में भी, और उसी अपार सफलता से, और इसको और ज्यादा रिवाइज करके जो थोड़ा बहुत बेटर देन बिफोर, इसलिए वो टैगलाइन भी है बेटर देन बिफोर। तो प्रीवियस ईयर्स से जो हमें इनपुट मिले, जो बच्चों के इनपुट मिले, उससे हमने और इसको निखार दिया है, और अब तो ये सर छाती ठोक के कह सकते हैं कि ऐसा कोर्स हिंदुस्तान में कोई करा ही नहीं सकता है। तो फीचर्स की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा सेलिएंट फीचर जो है, खासकर नीट के स्टूडेंट्स के लिए, उनको जो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है खासकर फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, वो आती है इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। उनका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला हिस्सा है, थ्योरी तो सर समझ में आती है पर क्वेश्चंस मुझसे नहीं होते हैं, या मेरे एग्जाम में मार्क्स नहीं आते, ये लगभग लगभग सभी का स्टेटमेंट है। नॉर्मली मनीष सर, नीट के स्टूडेंट ना थ्योरी पढ़ने में ही ज्यादा विश्वास रखते हैं, जबकि उनका सिलेक्शन प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच से ज्यादा होगा। तो सर कुछ ऐसा हो जाए कि मतलब बच्चा क्लास में ही सॉल्व कर ले, बिल्कुल, तो क्या मजा ना आ जाए। मतलब अभी हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल कोर्सेज में आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप घर पर सॉल्व कर रहे हो उसको, तो उसका कोई चेक पॉइंट नहीं है, पर यहाँ पर क्लास में, क्लास के साथ में ही आपको अगर सॉल्व करना हो जाए तो वो साथ के साथ में हैंड इन हैंड चलेगा और आपके आपकी रैंक को निखार देगा। बिल्कुल। तो जेट सर कर दें, पहला तो बिल्कुल धमाका कर दें, धमाका। तो धमाका जो है वो ये है कि सबसे पहला है आपका लेक्चर स्ट्रक्चर, हर लेक्चर को प्रॉपरली डिजाइन करा गया है, जिसमें आपके जो फर्स्ट 45 मिनट्स होंगे दैट इज द लर्निंग सेशन। अब मनीष सर मीनिंग क्या है लर्निंग सेशन का? लर्निंग सेशन मतलब सर ये वो सेशन है जिसमें हम बच्चे को कंसेप्ट देंगे। अच्छा। हम बच्चों को समझाएंगे, मतलब हमारा जो इनपुट है जो हमको हम बच्चे को देते हैं क्लास में, वो हम क्रिस्प फॉर्म में बच्चे को देंगे कि भाई ये कंसेप्ट है, इस पर इस तरह के एग्जांपल्स हैं, इस तरह की चीजें आती हैं। तो ये 45 मिनट्स का हाईली एनर्जेटिक सेशन चलेगा जिसमें हम अपनी पूरी एनर्जी झोंक रहे होंगे। बिल्कुल। और फिर दूसरा जो सेशन है, उसमें आपको अपनी एनर्जी झोंकनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। जो भी हमने उस 45 मिनट्स में आपको सिखाया है उसके ऊपर हम वहीं पर आपसे क्वेश्चंस करेंगे, वहीं अप्रॉक्सिमेटली डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, मे बी 20, 25, 30 जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग, ताकि आपको हर पर्टिकुलर कोर्स में, हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डेली का एक बेसिक मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो आप वहीं पर कंप्लीट करके जाओगे, कि आपको पता रहेगा कि हाँ ये चीजें तो अब मेरी हो चुकी हैं, और कहाँ कहाँ पर मुझे दिक्कत आ रही थी इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में प्रीवियसली, वो आपको वहीं पर टीचर के थ्रू इंटरेक्ट करके वो प्रॉब्लम्स आपकी और सर वहीं पूछ सकते हैं, वहीं डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आप सॉल्व करेंगे, आपको समय देंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे, आपको जो भी समस्या है वो वहीं की वहीं आप डिस्कस कर सकते हैं क्लास की अगर हम बात करें तो, और ऑनलाइन मोड में भी आप हमसे डिस्कशन कर सकते हैं, लाइव चैट के थ्रू हमसे बात कर सकते हैं। मनीष की हम तो वेरिएशन भी करेंगे प्रॉब्लम, बिल्कुल, और वहीं की वहीं घुमाएंगे, 20 प्रॉब्लम दी तो बस 20 ही प्रॉब्लम है, उनका वेरिएशन भी होगा कि अगर ये हो गया तो क्या होगा, तो क्या होगा, और उससे बच्चे की जो ट्यूनिंग है पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को सोचने का जो नजरिया होगा वो चेंज होगा। बिल्कुल। क्योंकि एग्जाम में तो हम कितने भी क्वेश्चन करा लेते वो तो हमेशा ही नया रहता है, थोड़ा बहुत तो चेंज रहता है, सरप्राइज फैक्टर तो रहता ही है, कल भी था रहता ही है वो हमेशा। मनीष सर मेरा एक डाउट है कि इसके बाद भी बच्चों को कुछ तो डाउट आ ही सकता, सर डाउट तो सर आएंगे सर, मतलब मैं क्लास में था, मैं अगर अपना समय याद करूं सर, मुझे सर पढ़ा रहे होते थे तो समझ में तो आ रहा होता था, उस समय सब समझ में आ जाता था, पर वो घर जाते जाते कुछ हिस्से तो वोलेटाइल होते हैं सर, उड़ जाते हैं, फिर उसके बाद घर जाके वही क्वेश्चन किया मैंने जो क्लास में किया है, मैंने सॉल्व करा था, सर ने समझाया था, पर वो मुझसे क्लास में घर जाके नहीं हो रहा है, क्योंकि हर क्वेश्चन के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं सर, कोई स्टेप में भूल गया, तो सर डाउट आए तो मतलब बच्चा क्या करे, डाउट के लिए क्या करेंगे, डाउट के लिए क्या करें, तो सर डाउट के लिए दूसरा धमाका है हमारे पास, हर बीमारी का इलाज है, डाउट के लिए जो धमाका है वो है डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी।
डीएसएफ अच्छा, और वो भी तीन चैनलों में डिवाइडेड है, ऐसा भी नहीं है कि बस आपको कुछ, आपने कुछ बोला और हमने जवाब दे दिया खत्म हो गई। सही बात। अच्छा क्या है ऑप्शन है सर आपके पास? तो आपके डेडिकेटेड ग्रुप्स बनेंगे, जो टाइम सेवर कोर्स लेंगे बच्चे उनके डेडिकेटेड ग्रुप्स होंगे जिसमें आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। दैट मींस वो जो क्लास वाला डिस्कशन होता है, मैं ऑनलाइन बच्चों की खासकर अगर बात करूं तो जो क्लास में आप डिस्कस करते हैं आपस में, या लेट अस से हम कोई चीज डिस्कस कर रहे हैं क्लास में, ऐसा डिस्कशन हम इन ग्रुप्स में करेंगे। तो ये जो ग्रुप्स बनाए जाएंगे, जो बच्चे इस कोर्स को परचेस करेंगे उन ग्रुप्स में आपको आपको एक्सेस मिलेगा उन ग्रुप का, और उस ग्रुप में केवल एकेडमिक डिस्कशन हम करेंगे चीजों को लेकर। आप क्वेश्चन रेज करेंगे, उस पर डिस्कशन होगा, हम भी उसमें सपोर्ट करेंगे। तो ये पहला माध्यम है जिस माध्यम से क्लास वाला जो फील है वो आपको ऑनलाइन घर बैठे बैठे ही मिलेगा। दूसरी जो चीज है सर, लाइव डाउट। सर लाइव डाउट सेशन, इसमें क्या करेंगे मनीष सर, हम लोग इसमें जैसे ही बच्चे का एक पर्टिकुलर चैप्टर खत्म होता है, हम बच्चों से पूरा जो शीट में अब जो उनको प्रॉब्लम्स आ रही, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में तो हमने सब चीजें डिस्कस कर ली, पूरी शीट का हम डिस्कशन करेंगे बच्चों के साथ। और ये एक बेसिकली एक इंटरेक्टिव सेशन भी है, बच्चे आएंगे कुछ भी पूछ सकते हैं कि तैयारी में क्या दिक्कत चल रही, क्या नहीं है, क्वेश्चंस में कहां दिक्कत है। ये लाइव डाउट सेशन लाइव थ्रू चलेगा आपका, जिसमें हम और आप इंटरेक्ट करेंगे, मतलब वन टू वन इंटरेक्शन होगा। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर, एक्सरसाइज वन का क्वेश्चन नंबर 5, हम आपसे कहेंगे कि पूछो क्वेश्चन बताओ क्या है, तो आप चैट में हमको दोगे, हम वो डिस्कस करेंगे, और आप सीधे सीधे वहीं की वहीं देख रहे होगे, और आप हमसे बात भी कर सकते हैं कि सर ये मैंने यहाँ पर ये स्टेप में ऐसा किया था तो सर मेरा क्यों गलत हो गया, तो वहीं की वहीं डिस्कशन करेंगे। मतलब ये एक तरह की सर लाइव क्लास होगी, लाइव क्लास होगी जिसमें हम केवल डाउट ले रहे हैं, दैट मींस पढ़ा नहीं रहे आपको, केवल आपके डाउट ले रहे हैं और आपकी जो परेशानी है उन परेशानियों को दूर कर रहे हैं। इसके अलावा फिर सर एक तीसरा ऑप्शन भी है सर, वो भी बता दीजिए बच्चों को। इटूज ऐप पर आपका अगर आप एनरोल होते हैं तो लाइव डाउट चैट थ्रू ऐप, जो इटूज ऐप है वहां पर आपको एक कॉलम मिलेगा लाइव चैट का, उसमें आप अपने डाउट्स वहां पर भी पोस्ट कर सकते हैं। वहां से भी आपको डेफिनेटली हम लोग रिप्लाई देंगे और आपको कॉन्सेप्ट्स को समझाने की कोशिश करेंगे। तो एक थ्री लेयरिंग फिनोमेना है फॉर द डाउट्स क्लियरिंग। तो इन तीन लेयर से गुजरने के बाद कोई डाउट आपका बचने वाला नहीं है। तो सर बहुत अच्छा लेक्चर हो गया, क्लास में प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो गई, तो मुझे क्लास में भी समझ में आ गया, फिर घर जाके मैंने उसको रिटेन भी कर लिया, क्योंकि जो भी मेरे डाउट है वो मैंने दूर कर लिया, वो सब तो चीजें सर ठीक है, सब बढ़िया हो गया। पर सर स्टूडेंट जो होता है इस प्रिपरेशन प्रोसेस में, लंबा प्रोसेस होता है सर, और बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, फिर सर एग्जाम्स भी होते हैं और बहुत सारे और भी पैरामीटर्स होते हैं जो कंट्रोल के बियॉन्ड होते हैं, तो सर कभी कभी डीमोटिवेशन आता है सर, हमें भी आता था जब प्रिपरेशन कर रहे थे, तो वो आपको भी आता है, तो वो बहुत नेचुरल है, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं। पर हाँ, ऐसे सिचुएशन में जब आप थोड़ा सा लो महसूस कर रहे हैं, अगर आपको कोई हेल्प मिल जाए, जो पेरेंट से भी मिल सकती है, टीचर से भी मिल सकती है, तो वो मिरेक्युलसली काम करता है। आपको अपने से उभरने में तो काफी समय लग सकता है, पर एक ऐसा हेल्पिंग हैंड अगर हम आपको दें तो वो आपको खटाक से उस प्रोसेस से बाहर निकाल सकता है। तो थाम के रखिए, उसके लिए भी हमारे पास धमाका है, उसके लिए भी हमारे पास इलाज है, और वो है मेंटरशिप एंड गाइडेंस। तो सर समझाइए सर, मेंटरशिप मतलब क्या है सर? सेपरेट बैचेस विल बी प्रिपेयर्ड। बैच साइज तो मनीष हम काफी छोटे ही रखेंगे, अप्रॉक्स 40 टू 50 स्टूडेंट पर बैच में रहेंगे, तो वैसे ही वन टू वन अटेंशन हर बच्चे पे रहेगी ठीक है ना। उसके अलावा भी बच्चे को कुछ भी लग रहा हो, क्लास के बाहर आके तुरंत हमसे कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह की परेशानी को पूछ सकता है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी इन चीजों को हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, उन्हें भी उनका रिवार्ड डेफिनेटली मिलने वाला है। तो सर मतलब ऐसा होगा कि हर बैच का एक मेंटर होगा, मतलब एक बैच के आप मेंटर हैं, एक बैच का मैं मेंटर हूं, मतलब उस पूरे बैच की जिम्मेदारी मेरी है, मतलब मैं एक तरह का आपका गार्जियन जैसा हो गया। तो आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या है ना भाई, तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी एक्स कोई भी परेशानी है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, जो भी आपके मेंटर है उनसे डिस्कस कर सकते हैं, और फील फ्री होकर बात कर सकते हैं, है ना भाई। तो वो मेंटरशिप का बहुत ही रिवॉल्यूशनरी और क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट है, ये नया है, वो हमने बेटर देन बिफोर। तो बेटर देन बिफोर में क्या है, ये मेंटरशिप वाला कॉन्सेप्ट लास्ट ईयर जब हमने फ्लोट किया था ये, तब नहीं था, हमें लगा कि ये करना चाहिए हमें, तो इसमें हमें काफी एफर्ट लगाने पड़ेंगे सर, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हम ट्रैक रिकॉर्ड भी रखेंगे। तो बैच वाइज मेंटरशिप जो भी हमने आपसे डिस्कस किया वो होगी, और सब तरह की आपकी क्वेरीज, एकेडमिक क्वेरीज और उसके अलावा भी जो भी आपकी परेशानी होती है, उन सब चीजों का हल आप हमसे, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इस फील्ड के पायनियर्स हैं, उनसे आपको राइट फ्रॉम द हॉर्सेस आउट मिलेगा। ये फैसिलिटी आपको और कहीं मिलने वाली नहीं है, किसी भी तरीके से, किसी भी मोड। मनीष सर ये तो काफी एक्सपेंसिव कोर्स होगा क्या ये? सर होना तो चाहिए सर, कितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट, मतलब बच्चा क्या सोच रहा होगा इस कोर्स के बारे में कि सर इतने सारे फीचर्स आप दे रहे हो, इतनी डेडिकेटेड टीम इटूज इंडिया की, इतनी बेस्ट टीम उनको मिल रही है, फैसिलिटीज सब मिल रही है, तो कोर्स होना तो चाहिए सर, कायदे से तो काफी महंगा होना चाहिए सर। पर अभी इसमें एक चीज तो छूटेगी सर, टेस्ट भी तो होंगे सर, टेस्ट होंगे बच्चे के, जो टेस्ट होंगे, जो जिस तरह का उसको एग्जाम लिखना है, तो सर टेस्ट नहीं कराओगे क्या सर? अब बच्चों का टेस्ट भी कराएंगे, तो लो भाई ऑनलाइन टेस्ट आपके सीबीटी मोड में टेस्ट होने वाले हैं, जिससे आपको ऑल अक्रॉस इंडिया, अब यहाँ भी देखना मतलब डिफरेंस समझना, आप मान लेते हैं कहीं एक फिजिकल क्लास में जाते हैं तो आपका जो कॉम्पिटिशन है आपके एक छोटे पीयर ग्रुप से, यहाँ आपको नेशनल लेवल का कॉम्पिटिशन, दैट मीन्स वही टेस्ट
दुनिया के मतलब इसलिए इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर्स में बैठे बच्चे जो डेडिकेटेड हैं, मेहनती हैं, वो दे रहे हैं, तो आपको आपका एक बेहतर फिगर आएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। तो हैंड पिक क्वेश्चंस होंगे, वो सारे जो टेस्ट पेपर्स हैं वो हम बनाएंगे, कोर्सेज भी हम ही ले रहे हैं, तो टेस्ट पेपर्स बनाए जाएंगे। तो एनटीए पैटर्न पर होगा, एनटीए पैटर्न बिल्कुल, और उसका ऐसा नहीं कि सर टेस्ट देके छोड़ दिया गया, ऐसा नहीं, आपका आपने जो भी रेस्पॉन्स दिया है तो उस रेस्पॉन्स को हम हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है खासकर एआई वगैरह की मदद से हम उसका एक कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, और साथ के साथ में आपका एक रैंकिंग रिपोर्ट भी प्रिपेयर करेंगे कि इस समय आपका जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ खड़े हैं, और इतना ही नहीं सर उसमें सपोर्ट भी देंगे कि आपको और फर्दर आगे कैसे एक्सेल पर आपके वीक पॉइंट्स है, क्या क्या आप अभी सुधार करना आपका बाकी है, इन सब चीजों की भी बात, इन सब चीजों की बात करेंगे और आपको पूरे तरीके से सपोर्ट देंगे। दैट मीन्स आपको पूरी पूरी शिद्दत के साथ आपको आपके सिलेक्शन तक आपकी रैंक तक पहुंचाने में जितने पैरामीटर्स हो सकते हैं जो हमने अपने 20 साल के अनुभव से सीखे हैं उन सभी पैरामीटर्स को यहां पर हमने टेक केयर कर लिया। अब सर कुछ बचता नहीं है जो अच्छी रैंक लाने से रोक सके स्टूडेंट को। तो मनीष सर बच्चों के दिलों की धड़कने बढ़ चुके होंगे कि यार सर फीस कितनी रखने वाले हो आप लोग इसकी, तो सर फीस का भी खुलासा कर दें सर, खुलासा तो करना पड़ेगा। तो भाई सर बताइए सर बच्चों इस कोर्स की जो फीस है, क्लासरूम कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हैं कोटा आके, क्योंकि कई बच्चे चाहते हैं कि सर हम तो कोटा में आपका चेहरा देख के ही पढ़ेंगे, मजा आता है सर, बिल्कुल, और हमें भी जोश मिलता है काफी ज्यादा बच्चों को देखकर, उनके लिए ये फीस है मात्र 50,000 रुपीज, मात्र 50,000 सर, इसमें कुछ छुपा हुआ तो नहीं, कुछ भी नहीं, कोई केवल 50,000 सर, बाकी जगह तो 1.5 लाख 2 लाख, ये तो यूट्यूब इंडिया की खासियत है सर, केवल 50,000 में सब कुछ दे रहे, सब कुछ दे रहे, हॉस्टल रहना खाना पीना ऑब्वियसली, जो ट्यूशन फीस जिसको कहते हैं दैट इज ओनली एंड ओनली एंड ओनली 50,000, हॉस्टल भी हमारे डेडिकेटेड है मनीष सर, हॉस्टल भी हमारे, हमारी बिल्डिंग है, आप शायद हमारा बिल्डिंग टूर भी देख चुके होंगे ऑलरेडी, इट्स देयर इन द यूट्यूब, और उसके बगल में बॉयज हॉस्टल भी है, गर्ल्स हॉस्टल भी है, वहीं पे ज्वाइन कर सकते ताकि आपके आने जाने का समय भी बचेगा, लगभग अटैच्ड है सर, वॉकिंग है, मतलब आप जैसे आप सपोज थर्ड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर आए बस इतना ही चलना, बस इतना ही, नीचे क्लासरूम ऊपर आप मजे से रह रहे हैं, और हमारे क्लासरूम में इवन क्लास के बाद भी आपको स्टडी करने की भी सुविधा है, एक तरह का रीडिंग रूम जिसको जैसे सर कॉलेजेस में रीडिंग रूम होता है ना, तो उसमें पिन ड्रॉप साइलेंस रहेगा और आप वहां बैठ के भी आराम से पढ़ सकते हैं, इन केस मान लेते हैं आपको हॉस्टल में नहीं आपको मतलब उतना आपको लग रहा है कि नहीं हॉस्टल में नहीं, मैं अकेले में नहीं पढ़ना चाहता, मैं साथ में पढ़ना चाहता हूं, तो आप वो रीडिंग रूम फैसिलिटी भी है वहां भी आप पढ़ सकते हैं। और सर अगर कोई कोटा नहीं आ पा रहा है तो उस बच्चे के लिए ऑनलाइन फीस जो है वो है मात्र 15,000 रुपीज में आप ऑनलाइन मोड में इस कोर्स को ले सकते हैं, जो कि बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। सर मैं अगर मतलब अगर अपने दिल की बात बताऊं, अगर मैं स्टूडेंट होता और मैं कहीं रिमोट एरिया में होता और मतलब काफी दूर होता अगर मैं, तो प्रोबेबली मैं तो सर ऑनलाइन मोड में ही जाता, क्योंकि मतलब ऑनलाइन मोड में अपने फायदे हैं, आप अपने घर के कंफर्ट में हैं, पेरेंट्स भी हैं आपके साथ में, अच्छा सिंसियर है सर, तो ऑनलाइन मोड तो सबसे ज्यादा, अगर मैं मेट्रो सिटीज की बात करूं मनीष, शायद मनीष सर तो मेरे हिसाब से बच्चों को शायद क्लासरूम जाने में ही 40-50 मिनट लग जाते, बिल्कुल लग जाते सर, ज्यादा भी लग जाता, वापसी में भी उन्हें उतना ही टाइम लग रहा है, सपोज करिए आपकी एक ही क्लास है केवल, तो आप 1.5 घंटे की क्लास के लिए आपने 2 घंटे की तो ट्रैवलिंग कर ली, बिल्कुल सर, और वो थकावट उसके बाद जो मेंटल प्रेशर है आपका, सिटी का ट्रैफिक देख रहे हैं आप घर आके, वो एफिशिएंसी भी तो डाउन हो रही है बच्चों की, एक स्लॉट तो सर पूरा ही चला जाता है, अगर आपकी मॉर्निंग क्लास है तो आप मान के चलें सुबह से लेकर लंच तक का समय तो आपका गया, एक स्लॉट तो पूरा ही, बिल्कुल, फिर उसके बाद आपके पास बच जाता है सेकंड वाला स्लॉट, यहाँ पर थोड़ी सी सुविधा रहती है सर, आप अपने हिसाब से भी पढ़ सकते हो और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पढ़ सकते हो, प्लस आप लेक्चर को दोबारा भी देख सकते हो, ऑनलाइन के अपने फायदे है ना भाई। तो भाई ऐसा है, अब सर आखिरी चीज और सर बता दीजिए कि ये स्टार्ट कब से हो रहा है, बस अब हम बहुत ईगर है लेने के लिए, कब से शुरू हो रहा है कोर्स, बैच फॉर नीट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 27th of September 2021 ऑफलाइन मोड में, दैट मीन्स क्लासरूम हम स्टार्ट कर रहे हैं 27th of September 2021 से, मेंस के लिए टाइम सेवर सिमिलर जो कोर्स है वो ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, तो नीट के लिए हम 27 सितंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऑनलाइन मोड में भी आपको 27 सितंबर ऑनवर्ड्स लेक्चर्स मिलने लगेंगे। तो भाई देर नहीं करो, जल्दी से फटाफट से क्वेरी हो, यू कैन कांटेक्ट अस ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर्स पर कांटेक्ट करें, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों आप सभी को हमने पूरी तरह से प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया है कि व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स और आप किस तरह से इस कोर्स का एनरोल करके अपनी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और सर करना ही चाहिए सर, एज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट आपको करना ही चाहिए, समय ऑब्वियसली कम है समय हमारे पास कम है, और पूरा 11th और 12th का सिलेबस हमें कवर करना है, तो बहुत ज्यादा समय डिसीजन में नहीं लगाएं, टीम आपके पास आपने ऑलरेडी देखी हुई है, एक्सपर्ट टीम है, इतने सालों का अनुभव है उनको, ऐसा टीम भी आपको कहीं भी मिलने वाली नहीं है, इस बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है हमने, क्योंकि ये हम बोलने नहीं हम करने में विश्वास रखते हैं, ये तो जो बच्चा ले लेगा वो गदगद होगा, वो कहेगा कि साहब क्या मजा आ गया, मतलब लाइफ चेंजिंग होगा, आप जब जेड सर से पढ़ेंगे, मुझसे पढ़ेंगे, बाकी लोगों से
पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल कहानी क्या है। हो सकता है कि इस तरह का अनुभव आपको अब तक नहीं हुआ हो। तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और फटाफट से अपना माइंड मेकअप करें। ठीक है जी, फिर मिलेंगे आप लोगों से। थैंक यू वेरी मच।